जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले चार युवक गिरफ्तार हुए। चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले चार अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से दो तमंचे, चार जिंदा कारतूस एवं तीन खोखे बरामद हुए हैं। सहारनपुर DIG अजय कुमार साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से चंद्रशेखर के द्वारा जो टिप्पणियां की जा रही थी उससे वे आहत थे। जब यह लोग मेरठ की तरफ से आ रहे थे तो इन्हें पता चला कि चंद्रशेखर देवबंद में पहुंचने वाले हैं, तभी उन्होंने उनके ऊपर हमला करने का प्लान बनाया और उनकी गाड़ी के पीछे पीछे देवबंद में आकर उनकी गाड़ी के ऊपर 3 राउंड फायरिंग कर दी। उसके बाद अभियुक्तों ने अपनी गाड़ी को एक गांव में छोड़ दिया और वहां से वह हरियाणा भाग गए। वहीं पर यह है कोर्ट में सरेंडर का प्लान बना रहे थे, जहां से पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DIG अजय कुमार साहनी, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक एवं SP देहात सागर जैन मौजूद रहे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 28 तारीख को चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फार्चूनर गाड़ी में सवार थे। इसमें SSP सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी, SP सिटी, SP देहात, CO देवबंद, SWAT और सर्विलांस की। ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये चार लड़के हैं, एक बिक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक बिक्की रनखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी बिक्की उप विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा NCR और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी, उल्टे सीधे जो बयान थे, इसलिए ये लोग आ रहे थे। और टोल पर, रोहाना टोल पर, इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था, तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है, जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है, जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में DGP महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहाँ यहाँ की टीम गई और वहाँ पापड़ थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहाँ से। और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। जी, इनका आपराधिक इतिहास हमने मेंशन कर दिया है प्रेस नोट में, 307 के और कुछ अन्य मामले पूर्व में है, वो सारी चीज़ें हमने आप लोगों को मेंशन कर दी। चार में से 3 का आपराधिक इतिहास अभी तक हमें प्राप्त हुआ है।
हथियार इनके पास थे, जैसा कि हमने बताया पूर्व में भी इन्होंने 307 की और एक लूट के घटना में भी ये शामिल रहे देवबंद में, तो इनका आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। जिस बयानों से ये आहत हुए थे, क्या वो राजनीतिक बयान थे या जातिगत बयान थे, कुछ बताया है इन्होंने? ये सारी चीज़ें बृहद अभी इसमें पूछताछ की जानी है, काफ़ी तथ्य भी और सामने आने हैं, तो इनको हमें नियमानुसार अभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के पश्चात फिर हम लोग रिमांड मांगेंगे और जैसे ही हमें अनुमति मिलेगी उस रिमांड के आधार पर अग्रिम और पूछताछ करेंगे, जो तथ्य सामने आएंगे वो आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। अभी तक तो जो आया है ये चार लड़के ही शामिल हैं और सारी की गिरफ्तारी हुई है और ये सारे के सारे, ये चारों के चारों गिरफ्तार। हाँ, फायरिंग इसीलिए की गई थी। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।